हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है हर कोई व्यक्ति चाहता है कि एक उसे जो है अफोर्डेबल प्राइस में एक काफ़ी अच्छा एलईडी टीवी मिले। तो उसी श्रेणी में जो है मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डाइवा का 32 इंच का एलईडी, जिसका कि मॉडल नंबर है D32S7B, जो कि एक स्मार्ट एलईडी टीवी है दोस्तों, जो कि एक इंडियन कंपनी द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। और इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें वो सारी खूबियाँ दी गई हैं जो एक इंडियन कंज्यूमर को चाहिए होती हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है ये वीडियो। बात कर लेते हैं इस टीवी के बारे में। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इसकी जो बॉक्स पैकिंग है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और काफ़ी सिंपल दी गई है। ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करा गया है, सिंपल ऊपर डाइवा मेंशन करा गया है, नीचे जो है 80 सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये 32 इंच का एलईडी है। साथ ही साथ साइड में इसमें जो है 34 ईयर्स लिखा हुआ है, जबकि इसे जो है 35 ईयर्स हो गए हैं इस समय। और ये इसका साइड लुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बार कोड दिया गया है। साथ ही साथ नीचे जो, अगर मैं इसके बात करूँ तो नीचे आप देख सकते हैं ये स्टिकर दिया हुआ है, जिसमें भी बार कोड वगैरह दिया गया है और 1 साल वारंटी एक्सटेंड करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे इसका जो है मॉडल नंबर मेंशन किया गया है D32S7B, डाइवा मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो इसमें एमआरपी दी गई है 15,990 रुपीज़ इसकी एमआरपी दी गई है दोस्तों। यह जो है आपको, अगर आप शॉप पे जा करके परचेस करते हैं तो यह जो है आपको लगभग 12,500 रुपये की रेंज में ईजिली मिल जाता है। बाकी आप इसके अलावा जो है नेगोशिएट भी कर सकते हैं इस प्राइस पर। तो आइए एक बार और इसके साइड से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है स्टार रेटिंग दी गई है, 3 स्टार रेटिंग में है, 62 यूनिट्स जो है पावर कंजम्पशन लेता है ये पर ईयर की। इसके अलावा इसकी बॉक्स पैकिंग खोलने के बाद हम देख लेते हैं, तो इसमें साइड में जो है यहाँ पे यूज़र मैनुअल वगैरह की पैकिंग दी गई है, इसे भी एक बार खोल के देख लेंगे। तो इसके अलावा जो है एक बार टीवी जो है पूरी तरह थर्माकोल में पैक दी गई है। नॉर्मली जो जितनी भी इस तरीके की एलईडी आती है वो इसी तरीके से पैकिंग में आती हैं। तो ये हम पैकिंग एक बार हटा लेते हैं और जो इसका मैनुअल पैकिंग दी गई है उसके अंदर क्या क्या सामान दिया गया है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं कि उसमें हमें पैकिंग में क्या क्या मिल जाता है। तो आइए एक बार नज़र उस पर दौड़ा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो हमारे को हम जो है एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें हमारे को रिमोट मिल जाता है, फुली फंक्शनल रिमोट है। और रिमोट में कई सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे एयर माउस का फीचर इसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, वो इसमें मिल जाता है। बाकी जो है आपको आई प्रोटेक्शन के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है इसमें। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया स्मार्ट एलईडी है, तो कई सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूंगा या बीच में एक पिक डाल दूंगा, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। कई सारे जो है इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। ये इसका जो है टेबल टॉप स्टैंड इसमें दिया गया है। और इसके अलावा जो है वॉल माउंट इसमें आपको मिल जाता है, जो आप पीछे वॉल पर फिक्स कर सकते हैं, वो भी आपको इन पैकिंग ही मिल जाएगा। इसके अलावा 2 AAA साइज़ जो है इसमें आपको बैटरी दी गई है रिमोट के लिए। इसके अलावा जो है ये आपको 4 स्क्रू दिए हुए हैं, जो कि आप जो है टेबल टॉप अगर माउंट करते हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आइए टीवी ऑन करके देख लेते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। तो आप ये देख सकते हैं, तो आपका जो साइड में जो एक स्टिकर लगा हुआ है, जिस पर ऊपर डाइवा मेंशन किया गया है, द बिग वॉल मेंशन किया गया है, साथ ही साथ विविड पिक्चर्स लिखा गया है और 20 वॉट सराउंड साउंड आउटपुट है इसमें, 1 GB रैम और 8 GB की रोम दी गई है इसमें आपको। इसके अलावा जो है OTA अपडेट्स इसमें आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ई शेयरिंग दिया गया है अगर आप स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हो कोई फोटो या वीडियो अपनी जो है टीवी में, तो उस चीज़ के लिए। साथ ही साथ बैक साइड से अगर हम देख लें तो आप देख सकते हैं इसमें 2 USB के सॉकेट हमारे को मिल जाते हैं, साथ ही साथ 3 जो है इसमें HDMI के पोर्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मल LEDs की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 1 या 2 HDMI के पोर्ट मिल पाना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आपको 3 HDMI के पोर्ट मिल रहे हैं, जो कि ब्रांडेड LED में भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ नीचे जो है आपको ऑप्टिकल का इनपुट दिया गया है और जो है आपको RJ45 का भी सॉकेट दिया गया है, साथ ही साथ ऑडियो वीडियो केबल और जो है एंटीना जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा RF यूज़ करने के लिए। साइड में जो है एक आपका ऑडियो जैक भी दिया गया है 3.5 mm का, जिसमें कि आप जो है हेडफोन वगैरह आप सुन सकते हैं या स्पीकर सिस्टम अपना कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी कुछ इसमें मिल जाता है आपको बजट सेगमेंट के अंदर ही। तो आइए कुछ टीवी की खूबियों के बारे में बात कर लें कि इसकी पिक्चर क्वालिटी किस तरीके से मिलती है। तो पिक्चर क्वालिटी में मैं कहूँगा दोस्तों कि कंट्रास्ट काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन इतना शार्प कंट्रास्ट नहीं था। बट घर के अगर हम बात करें, घर के अंदर देखने के लिए और इस प्राइस पॉइंट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। जैसा कि आप पिक्चर क्वालिटी में देख पा रहे होंगे, इस समय काफ़ी बेहतरीन जो है इसका वीडियो आपको देखने को मिल रही है।
एक बार इसके साथ साथ जो है हम आवाज़ भी सुन के देख लेंगे कि इसकी आवाज़ भी हमारे को किस तरीके से मिलती है। कलर्स वगैरह आप देखें तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, पंची तो नहीं कहूँगा ज़्यादा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे कलर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं घर में देखने के लिए बहुत ही सूटेबल्स कलर्स हैं और काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं, और साउंड क्वालिटी भी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आइए एक बार इसकी जो है साउंड क्वालिटी भी सुन के देख लेते हैं कि हमारे को जो है साउंड क्वालिटी इसकी कैसी मिलती है। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए मेंबर्स हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है एक बहुत ही अच्छी बात इसमें जो मुझे देखने को मिली वो कि इसमें आप जो है 1 TB की हार्ड डिस्क मैंने इसमें लगाई है, और यह भी इसको जो है सपोर्ट कर रही है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। आइए मैं इसको एक बार आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। देखिए आप, इस पर पेन ड्राइव लगी हुई है, साथ ही साथ मैंने जो है 1 TB की अपनी हार्ड डिस्क भी इसमें कनेक्ट कर दी है। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर USB मीडिया में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। 1 TB हार्ड डिस्क भी नीचे शो कर रही है GSP के नाम से, तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से प्लेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी इसमें चल रही है। तो मैं इसकी भी जो है वीडियो आपको चला करके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी टीवी लगी मुझे, काफ़ी जिसे कहते हैं क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। फिज़िकल ओवरव्यू की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं नैनीताल की तरफ, और नैनीताल लगभग यहाँ से जो है अब 28 किलोमीटर बाकी रह जाता है, और हम एक अच्छे मोड़ पे आ गए हैं। यहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखाई देता है। आइए देखिए, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे एक बार, काफ़ी नेचुरल, काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है सुबह सुबह देखने को। साथ ही साथ इसमें जो है कई सारे ऐप्स आप देख सकते हैं मिल जाते हैं, लाइव टीवी जो आपके चैनल्स हैं, जो कि न्यूज़ चैनल्स हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी कुछ है इसमें, स्मार्ट टीवी है और अफोर्डेबल प्राइस में है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप चाहें तो इसे जो है ज़रूर से आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप काशीपुर के आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर से जो है एक बार ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका द्रोण सागर के सामने है बाजपुर रोड पे, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं उनका एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं इस टीवी को। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लगी दोस्तों मुझे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पिक्चर्स की और जो है इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट की, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ठीक है। इस प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांडेड टीवी को ये टक्कर दे देता है। तो साउंड क्वालिटी क्योंकि 20 वॉट आउटपुट में दी गई है, और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा लाउड में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा चीखता सा नज़र आता है, लेकिन जो है आउटपुट फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। कई ब्रांड्स में तो आवाज़ ही नहीं आती है, इसमें भी इसमें जो है काफ़ी हद तक उसके मुकाबले जो है अच्छी साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिल जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, ई शेयर दिया गया है, और ये एयर माउस जो मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर से इस टीवी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक जो मुझे इसमें कमी लगी वो थी इसकी ARC की, यानी कि HDMI के 3 स्लॉट दिए गए हैं। अगर उसमें एक स्लॉट पे जो है अगर ARC आउटपुट भी होता तो काफ़ी बेहतरीन होता। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।